संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 2 महीने देर से बहुत विवादों के बाद रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत धमाकेदार साबित हुई। पद्मावत ने 200 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। पद्मावत के बाद अब फिर से भंसाली बिग बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म म्यूजिकल एपिक फिल्म होगी। एक बार फिर से वायकॉम 18 ने ही भंसाली से इस प्रोजेक्ट के साथ ही हाथ मिलाने का निर्णय लिया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भंसाली की ये फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की फिल्म होगी या नहीं, लेकिन ये म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी होगी ऐसी चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक भंसाली ने इसके लिए किसी का भी नाम तय नहीं किया है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दीपिका और रणवीर ही इस फिल्म का हिस्सा होंगे, क्योंकि खुद दीपिका ने भी कहा है कि वो फिर से भंसाली के साथ काम करना चाहेंगी। ऐसे में लगता है कि रणवीर, दीपिका और भंसाली की तिगड़ी एक बार फिर भव्य और बड़ी फिल्म लेकर आएगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।